नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ACS2। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। जब भी हम लाइव करते हैं, सबसे ज्यादा सवाल अगर कोई आया है तो क्या मैं विदेश चला जाऊंगा, नौकरी पर कर पाऊंगा, सेटल हो पाऊंगा। सब अलग अलग खेल है, क्या ये हो पाएगा आपकी कुंडली में? निकाल लीजिए अपनी कुंडली, क्योंकि आकाश जी आपको बताने वाले हैं। स्वागत करते हैं उनका कैलगरी कैनेडा से। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी और नमस्कार। और जरा मार्गदर्शन कीजिए, आज सबका कुंडली खोल के बैठे हैं सब। तो जी हाँ, तो आज का वीडियो हम बना रहे हैं विदेश योग के बारे में, फॉरेन सेटलमेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इंडिया, खास करके पंजाब भी मैं लिखूंगा मैं, क्योंकि पंजाब से तो हर बंदे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि मैं 6 साल का होके मैं फॉरेन चले जाऊंगा। सबको सबसे बड़ा क्वेश्चन, और ये किसी से छुपा नहीं, ये हमारे भी यही, आप भी रोहित जी यही पूछते रहते हैं मुझसे। तीन स्टेट्स, पंजाब, केरला और गुजरात, सबसे ज्यादा फॉरेन स्टेट, सबसे ज्यादा फॉरेन। विदेशों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ना रोहित जी, ये देख लीजिए हमें किस किस घर को इम्पोर्टेंस देना है विदेश योग के लिए। तो पहला घर होता है अपना सेल्फ, पहला घर। तो यहाँ से देखना है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ पे प्लेस्ड है, और एसेंडेंट लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है। नाउ कनेक्शन जो है ना, वो चाहिए हमें फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, इनमें से सबका कनेक्शन चाहिए, या किसी दो हाउस का एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए। तब जाके हम देखते हैं कि विदेश में हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो फोर्थ हाउस है ना, वो हमारे रूट्स को, यानी हमारे करंट प्लेस ऑफ स्टे या हमारे प्लेस ऑफ बर्थ को सिग्निफाई करता है कि वो हमारे रूट्स है, वो हमारा मदरलैंड है, वो हमारी मदर है, राइट। उसके बाद जो नाइन्थ हाउस है ना रोहित जी, वो फॉरेन यानी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी सिग्निफाई करता है कि हाँ, आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करोगे या नहीं करोगे। उसके बाद रोहित जी डिपेंड करता है आपके ट्वेल्थ हाउस पे कि क्या डिस्टेंट प्लेसेस पे जाने के बाद आपका जो ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है, क्या वो फेवरेबल है, कि आपको वो सूट होगा कि नहीं होगा। सो कभी कभी ऐसे भी होता है रोहित जी लोगों के साथ कि लोग सिर्फ वर्क के लिए थोड़े दिन के लिए जाते हैं, एंड वो क्योंकि उनका नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है, तो वो वर्क के लिए जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए अपना काम करेंगे, एंड दे विल बी कमिंग बैक, राइट। या कोई कोई होते हैं कि गए और कभी आए ही नहीं वापस, वो हमेशा के लिए सेटल हो गए। तो हमें ट्वेल्थ हाउस से देखना है सेटलमेंट, राइट। अगर ये इन घरों के बीच में कोई, ये मैं ना बहुत बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि सबके डिफरेंट प्लैनेट्स कहीं कहीं प्लेस्ड होंगे, राइट। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपको खुद देखना है तो आप खाली ये देखिए कि मेरे फोर्थ हाउस में कौन है, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, नाइन्थ हाउस में कौन है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, ट्वेल्थ हाउस में कौन है, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे, और लग्न लॉर्ड कहाँ पर है, लग्न लॉर्ड किस पावर में बैठा हुआ है। ये देखने के बाद आप ना अपने फॉरेन जाने या नहीं जाने के बारे में थोड़ी से डिसीजन पे आ सकते हो। अब ये रहा बेसिक, यू नो, ये घर इंपॉर्टेंट है रोहित जी, ये चारों घर 1, 4, 9, 12 वेरी इंपॉर्टेंट। अब रोहित जी मूव फॉरवर्ड करते कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है, जो हमें फॉरेन लेके जाते हैं, वो राहु और केतु। राहु को इसलिए कहा जाता है कि राहु का जब भी दशा आता है तो फॉरेन की दशा आ गई। अब जो हमारे जो पराशरा जी ने होरा शास्त्र लिखी है, उसमें जब भी फॉरेन जाने की कोई बात आती है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि बाप रे, कोई ना कोई पंगा होने वाला है। क्योंकि पुराने जमाने में रोहित जी, जब फॉरेन कोई जाता था तो मदर और ये लोग परेशान हो जाते थे कि ना इसको घर का खाना मिलेगा, पता नहीं क्या खाएगा, वहाँ गुरुकुल नहीं होगा, वहाँ कैसे ये जिएगा। सो ना, बाहर जाना मतलब जेल की तरह यात्रा थी। लेकिन अभी के लिए तो लग्जरी है कि भाई तू तो अमेरिका जा रहा है, वाह वहां तो तू ये गाड़ी में घूमेगा, वो करेगा, ये बदल गया बदल गया। So, राहु और केतु ये सिग्निफिकेटर्स है फॉरेन लैंड्स के। अब राहु और केतु अगर नौवे घर में बैठे हो, नौवे लॉर्ड के साथ बैठे हो, नौवे लॉर्ड का एस्पेक्ट हो राहु केतु के ऊपर, है ना, तो डिपेंड करता है कि राहु केतु जिस जहां पर बैठे हैं, अगर राहु बाय चांस 12वें घर में आके बैठ गया, राइट, और उसपे एस्पेक्ट है क्या बोलते हैं 10th हाउस का, 10th हाउस के ओनर का, सैटर्न का फॉर एग्जाम्पल, राहु So, ऐसे लोग रोहित जी फॉरेन जाएंगे तो जरूर, पर सिर्फ वर्क पर्पस के लिए, वहां सेटल नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसी तरह फोर्थ लॉर्ड का एस्पेक्ट पड़ गया तो ये लोग फॉरेन में सेटल हो जाएंगे। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड पड़ गया तो ये फॉरेन में सेटल तो हो जाएंगे, पर ट्रेवल करते रहेंगे पूरा टाइम। सो डिपेंडिंग आपकी कुंडली के ऊपर कि किस तरह से आपका कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है। मैं केस स्टडी भी है रोहित जी आगे मेरे पास, कि केस स्टडी के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से, वो भी प्रियंका चोपड़ा की केस स्टडी है मेरे पास। इतनी ऐसी सबसे अच्छा केस स्टडी होती है, आप अपना ही चार्ट दिखाते, वो सबसे बड़ी लाइव केस स्टडी है हमारे लिए। बट मेरा चार्ट तो मुझे पता है ना, प्रियंका चोपड़ा का चार्ट तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसमें ऐसा रिसर्च किया कि आप तो हैरान हो जाओगे देख।
अब रोहित जी यहाँ पर देखो प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब पहले देखिए राहु और केतु का किन इन चारों घरों में से किसके साथ एसोसिएशन है, राइट। अगर फोर्थ लॉर्ड के साथ, फोर्थ लॉर्ड के फोर्थ हाउस में आके राहु बैठ गया और फोर्थ फोर्थ लॉर्ड जाके नाइन्थ हाउस में बैठ गया तो आप ट्रैवल करोगे, फोर्थ हाउस जाके ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया तो ट्रैवल करोगे। लेकिन फोर्थ हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड हो गया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाएगा और राहु बैठ गया तो आप फॉरेन नहीं जा पाओगे क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड खुद ही स्ट्रांग होकर बैठ गया वहां पर। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमें ध्यान देने। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाइन्थ हाउस, वेल एक्सपेक्टेड एंड स्ट्रॉन्ग नाइन्थ हाउस। क्या आप पर बोलते हैं ना कि अगर नाइन्थ हाउस आपका एकदम तगड़ा है ना और अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट है, उसमें अगर जुपिटर या वीनस जैसे प्लैनेट्स में आके बैठ गए तो ये सब प्लैनेट एक्सपेंशन के प्लैनेट्स हैं, ये सब आपको ना आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोग आपको फॉरेन लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब इसमें सब कुछ डिपेंड करता है ऑन योर लग्न लॉर्ड। मैं रोहित जी इसके बाद एक ऐसा वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 12 लग्नों में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर बैठा है, जैसे सन अगर बैठ गया लग्न लॉर्ड कहाँ पर बैठेगा तो आपकी फॉरेन सेटलमेंट होगी, तो वो भी 12 लग्नों के लिए अलग अलग, ये बहुत शानदार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया। ताकि वो हमेशा लोग उसको रेफर कर सके। अब यहाँ पर जी सेकंड प्लेसमेंट ऑफ द मून, मून कभी हमें इग्नोर नहीं करना है मून का प्लेसमेंट, क्योंकि मून हमारा माइंड है तो जहां पर मून होगा वहीं जाके हमारा माइंड सेटल होगा, ये याद रखना है। जिस भी घर में मून बैठा है वो घर के अंदर के ही वर्क से रिलेटेड हमारा माइंड सेटल होगा। अगर बाई चांस 12वें घर में मून बैठ गया सो ये दिखाता है कि फॉरेन रेसिडेंस होना ही होना है क्योंकि आपका दिमाग जाके फॉरेन में बैठ गया, आपका दिमाग जाकर फॉरेन लैंड में बैठ चुका। ओके, अब बाय चांस वो नहीं बैठा 12th में लेकिन वो 6th में भी बैठ गया और फेवरेबल है तो वो 12th पे दृष्टि डालेगा तो आपको फॉरेन लेके जाएगा वो। ओके, सो डिपेंड करता है, एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ देख रहा है, किसकी दृष्टि अगर किस पे। 12वें घर में चंद्रमा नीच हो जाए तो 12वें घर में चंद्रमा नीच हो जाए तो आप फॉरेन जरूर जाएंगे लेकिन वहां जाकर आपकी माइंड स्टेबल नहीं होगा कभी। यहाँ पर देखना पड़ेगा 12वें घर में अगर चंद्रमा नीच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके ऊपर किसकी किसकी दृष्टि है, क्या पता उसके ऊपर जुपिटर के एस्पेक्ट आ जाए तो आप फॉरेन में जाएंगे तो आपकी तरक्की तरक्की होने लगेगी। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं और राहु का एस्पेक्ट आ गया तो आप फॉरेन जाएंगे और जेल में चले जाएंगे, आप जेल से बाहर निकलेंगे नहीं, आप उधर दुख में रहेंगे हमेशा, राइट। सो बहुत सारी कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें देखना है, बट मोस्टली मैं ये बता रहा हूँ थोड़े थोड़े यू नो ताकि आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी कौन सी दशा अंतरदशा आ रही है। अब देखिए रोहित जी डिस्टर्ब्ड फोर्थ हाउस आपका डिस्टर्ब्ड नहीं होगा ना अगर, या ट्रांजिट में या दशा में या अंतर दशा में अगर वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो आप फॉरेन नहीं जा पाएंगे। क्या कहते हैं रोहित जी आप, व्हाट डू यू से? मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ आपको, एक थोड़ा और डिफिकल्ट सवाल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी का फोर्थ हाउस बहुत बुरी तरह एफ्लिक्टेड है, ठीक है, वहां पे चार ग्रह बैठे हैं एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर ठीक एफ्लिक्टेड हो गया बहुत बुरी तरह, लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी फोर्थ हाउस में ही बैठा है, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि फोर्थ हाउस तो एफ्लिक्टेड हो ही गया। हाँ, तब हमें देखना है कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट किसका किसका है। अगर समझो फोर्थ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है और सामने शनि बैठा हुआ है 10वें घर में एग्जांपल, और शनि ने एस्पेक्ट कर दिया फोर्थ हाउस को तो वो फॉरेन जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर फोर्थ हाउस के फ्रेंड ने एस्पेक्ट कर दिया, जैसे समझो सूर्य बैठे हैं और वहां से अगर मरकरी ने एस्पेक्ट कर दिया उनको, मरकरी ने दृष्टि डाल दी तो आप नहीं जाओगे, कोई हिला नहीं पाएगा आपको फॉरेन लैंड भेजने और के अगर लिए। कोई एस्पेक्ट नहीं, अगर कोई एस्पेक्ट नहीं है तो डिपेंड करता है कि 12th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड कैसे प्लेस्ड है, बताइए कैसे प्लेस्ड है 9th हाउस के लॉर्ड, इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर 12th हाउस का प्लैनेट क्या पता एग्जॉल्टेड हो जाए, चलो 4th हाउस में मून आके बैठ गया, मून 4 नंबर में आके बैठ गया और जुपिटर एग्जॉल्टेड हो गया आके 4th हाउस में तो आपको फॉरेन लेके ही जाएगा वो, क्योंकि जुपिटर की पावर ज्यादा है वहां पर मून से, पावर भी देखनी पड़ेगी, डिग्री किसके ज्यादा, डिग्री देखनी पड़ेगी। प्लस दूसरी बात, जुपिटर 9वें घर का और 12वें घर का दोनों का मालिक है, तो वो आपको फॉरेन लेके ही जाएगा और सेटल करवाएगा, वो आपको आने नहीं देगा, आपके आपका दिल हमेशा अपने होम कंट्री में लगा और रहेगा ये पर भी आप। हाँ जी, एक सवाल और है आकाश जी, जी कि जो आपने कॉम्बिनेशंस बताए कि मान लीजिए 12वें का 9वें में बैठ गया या लगन लॉर्ड 12वें में बैठ गया, सब कुछ ठीक है, जिस ग्रह के सिर पे हमने बाहर जाना है जो फॉरेन सेटलमेंट दर्शा रहा है, अगर उसकी महादशा ही ना आए तो भी क्या बाहर जाना मुमकिन है?
हाँ, तो उसकी अंतरदशा में बाहर जाना मुमकिन है, उसकी प्रात्यंतर दशा में बाहर जाना मुमकिन है, उसकी रिटर्न में, उसकी ट्रांजिट ऑफ इट कमिंग इट बैक टू इटसेल्फ, मतलब वो कल को, जैसे अभी राहुदेव आज की तारीख में जितने भी एसेंडेंट, ये काल पुरुष की कुंडली है, जितने भी एसेंडेंट एरीज है उनके लगन में बैठे हुए हैं, राइट राइट अब वो 12वें घर में जा रहे हैं, तो अगर बाई चांस आपके 12वें घर में राहु है और राहु अब रिटर्न मार रहे हैं वहां पे, राहु आ रहा है, तो इस टाइम पर राहु आपको कहीं ना कहीं फॉरेन लेके जाएगा, स्टेट इंटर स्टेट और आउट ऑफ एक ओशन क्रॉस करवाएगा ही करवाएगा कोई ना कोई तरीके ओके से। मूविंग फॉरवर्ड रोहित जी, देखिए दशा पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना टाइमिंग, वो है टाइमिंग्स। समझो आप, आपकी जुपिटर, समझो इसमें जुपिटर सबसे फेवरेबल है फॉरेन जाने के लिए इस चार्ट में। अब जुपिटर यहाँ पर समझो नीच का होके बैठा है 10वें घर में, लेकिन सामने एस्पेक्ट कर रहा है वो, ठीक है, और जुपिटर की दशा ही नहीं आ रही है, जुपिटर की दशा आएगी और 15 साल के बाद, और आप जिंदगी भर बचपन से एक ही चीज डिजायर करते हो, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर, लेकिन जुपिटर की दशा ही नहीं आई। अब क्या होगा रोहित जी, फॉर एन एग्जाम्पल आपका बच्चे हो जाएंगे, वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए या पढ़ाई के लिए जाएंगे, और आप उनको विजिट करने जाएंगे, या आप अपने, जब जुपिटर की दशा आएगी वो दशा में आप कभी भी काम करने नहीं जाएंगे वहां, आप जस्ट अपना पैसा खर्च करने जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस अगेन व्यस्त, मतलब बोलते हैं ना स्थान ऑफ मनी, स्पेंडिंग मनी है, बेसिकली पिलग्रिमेज की तरह जाएंगे कि चलो बेटे के पास जा रहे हैं, चलो जिंदगी भर कभी फॉरेन तो जा नहीं पाए, पहली बार प्लेन में बैठेंगे बेटे के पास जाने के लिए, वो तो US में बैठा है, ऐसे वो बहुत खर्चा सारे, करवा देगा उस घर का बस। वो खर्चा करवा देगा उस घर, बट सेटलमेंट नहीं करने देगा। अब रोहित जी यहाँ पर देखो, ये चार्ट है प्रियंका चोपड़ा का, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो उसकी केस स्टडी, प्रियंका चोपड़ा जुलाई 18, 1982 को 0:36 रात को 36 जमशेदपुर में उनका जन्म हुआ, ये उनका चार्ट है। एक नंबर का ही मैंने चार्ट जानबूझ के लिया, बताने के लिए कि पावर क्या है ना। अब देखो यहाँ पर इनके D1 में देखेंगे हम, अब D1 में 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। अब इन्होंने अपनी अपने इंटरव्यू में कहा कि स्पीकिंग अबाउट हर टीनेज इयर्स, प्रियंका ने बताया कि हार्वर्ड शो में कि मेरे डैड बहुत डर गए थे जब उन्होंने मुझे 12 साल की उम्र में अमेरिका भेजा पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए। अब रोहित जी यहाँ देखो मून की दशा, इनकी इनके बर्थ पे मून की दशा शुरू हो गई, तो 1982 से, ठीक है, 1992 में मार्स की दशा शुरू हुई, ठीक है, 1982 से 1992 मून की दशा 10 साल की शुरू हो गई। यहाँ पर मून आया, मून 1985 में, ठीक है, और 87 में ये गई बाहर, और यहाँ रही अंतर दशा, ठीक ओ है, मून सॉरी राहु राहु केतु की अंतर दशा में रोहित जी, जो 9th हाउस में बैठा है केतु, और ओके राहु 3rd हाउस में बैठा है, तो हायर स्टडीज के लिए ये बाहर गई, हाँ 9th हाउस एक्टिवेट हो गया ना। ठीक है नहीं तो एक्टिवेट हो गया, क्योंकि अगर देखो तो 1992 से इनकी राहु की दशा शुरू हो गई, तो वैसे फॉरेन प्लेनेट है, उसने बाहर लेके जाना ही है। और जब राहु की दशा शुरू हुई तो राहु राहु में 1993 और 1994 में ही क्यों लेके गया, देखो ना 1982 बर्थ है, तो 1982 प्लस 10 ईयर्स इज 1992, एंड 1994 में 12 साल की, और ये कह रही है जब मैं 12 साल की हुई थी तब मुझे अमेरिका भेजा गया, राहु राहु केतु, केतु 9th हाउस में, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर लर्निंग, तो इन्हें बाहर भेजा गया इस टाइम पर क्योंकि इनको हायर लर्निंग करनी थी, तो केतु ने मेक श्योर किया कि ये बाहर जाएंगे। और केतु भी हायर लर्निंग है और बैठा भी 9th हाउस में। अब आगे बढ़ेंगे तो रोहित जी देखो, दिसंबर 1, 2018 में प्रियंका चोपड़ा की मैरिज हुई। अब मैरिज क्यों हुई, क्योंकि मैरिज वॉज ट्रिगर्ड बाय जुपिटर दशा एंड वीनस अंतर दशा। ये देखो जुपिटर और वीनस, एक मार्च 2021 तक चलना था, 1 जुलाई 2018 से शुरू हो गया, राइट। अब वीनस बैठा, जुपिटर बैठा है जाके वीनस के घर में और ओन करता है 12वें घर को, और इसमें अंदर और अच्छी बात सुनो बिल्कुल क्या है, जुपिटर 7वें घर में है स्वाति नक्षत्र में, और स्वाति नक्षत्र किसका नक्षत्र है, राहुदेव का। ओ इसका मतलब क्या हुआ पता है रोहित जी, यहां से ये देखने को मिलता है कि जुपिटर इतना पायस प्लैनेट होकर राहु के नक्षत्र में बैठा है, और राहु जाकर बैठा है 3rd हाउस में, तो इसकी शादी जो होगी वो अनऑर्थोडॉक्स वे में होगी, क्योंकि जुपिटर राहु इज अ प्लैनेट ऑफ अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स मैरिज, इसलिए इन्होंने कास्ट क्रीड रिलीजन सबसे बाहर जाके गोरे से शादी की, और वो कब की, पीरियड ऑफ जुपिटर एंड वीनस। अब यहाँ पे एंड नहीं होता है रोहित जी,
जुपिटर किसका मालिक है? जुपिटर 12वें घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है, यानी दोनों जर्नीज का मालिक है। और लॉन्ग डिस्टेंस सेटलमेंट कब हुई? पहले तो पूरा टाइम वो इंडिया में ही थी। हाँ राहु नक्षत्र बताता है अनऑर्थोडॉक्स मैरिज होगी, डिफरेंट कास्ट कलर रिलीजन, और लॉन्ग डिस्टेंस सेटलमेंट कब होगी? जब फोर्थ हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट जुपिटर जो 12वें घर का मालिक है, वो आपको शादी के बाद ही फॉरेन लेके गया सेटल कराने के लिए। चौथा घर डिस्टर्ब किया उसने, अपना फैमिली आपने शादी कर ली, आप फॉरेन चले गए, आपने चौथा घर आपका डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि सन एक क्रूर प्लैनेट है। मैंने कहा कि जब क्रूर प्लैनेट आके फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो वो बताता है कि आपको वो कभी ना कभी फॉरेन लेके जाएगा। उसके बाद फोर्थ हाउस लॉर्ड एग्जॉल्टेड इन सेकेंड हाउस विद 11th। अब चौथे घर का मालिक देखो किधर है, सेकेंड हाउस में एग्जॉल्टेड है, और ये क्या कहता है पता है, कि भले फॉरेन में चली जाएगी पर फिर भी होमलैंड से गेन्स होती रहेगी इसको हमेशा, क्योंकि ये चौथे घर का मालिक एग्जॉल्टेड है, वो पैसा देगा ही देगा होमलैंड में। और इससे एक और चीज का सिग्निफिकेशन पता चलता है कि ये बंदा कभी भी अपने होमलैंड की सिटीजनशिप नहीं देगा, क्योंकि इसका होमलैंड का मालिक काफी एग्जॉल्टेड है। दैट्स व्हाई प्रियंका चोपड़ा भले वहां चले गए पर उसने बोला मैं अपनी कभी इंडियन सिटीजनशिप नहीं दूंगी, मैं हमेशा वही रखूंगी अपने पास। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग विद द 11th फ्रॉम नाइन्थ सेजिटेरियस, तो गेन्स फ्रॉम मैरिज भी है। ये तो मैंने ओ जस्ट ऐसी पॉइंट बताया कि अगर चलो नौवे घर का मालिक अपने से 11वां बैठा है, तो मैरिज से गेन्स भी करवाया उसने, इनको काफी वेरी गेन्स करवाया। यहाँ पर देखो 2026 में आ जाएगी इनकी सैटर्न की दशा, और उसी के साथ साथ उसके 2.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आ जाएगी इनकी 7.5वीं। यहाँ पर रोहित जी जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, वो हो सकता है कि शायद, क्योंकि इनका ना 7th हाउस फेवरेबल नहीं है, वो थोड़ा मैरिज में इनके इशू करके देर कैन बी सेपरेशन ऑल्सो, या कोर्ट केसेस हो सकते हैं इनके ऊपर कोई ना कोई। अब उसका रीजन भी ये है रोहित जी, क्योंकि मंगल बैठा है साथ में शनि देव के, और उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि इसका डिस्पोजिटर जो है वो राहु के साथ बैठा है। दैट्स व्हाई पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड या क्रिटिकल इलनेस कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम 6th हाउस मार्स एंड सैटर्न कंजंक्शन। यहाँ पे देखो मार्स और शनि एक साथ आ गए, और वो भी बैठे, ये तो मार्स तो पक्का दुश्मन बन के बैठा है मरकरी के घर में, ठीक है। लग्नेश होके वो 6th हाउस में आ गया, दैट मींस कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा। सेकेंडली सैटर्न वहां पर बैठा है, अब प्रॉब्लम ये है कि सैटर्न कंजंक्ट तो कर रहा है, लेकिन अपनी तीसरी दृष्टि वो डाल रहा है 8th हाउस पे, जो अगेन मंगल देवता का घर है, तो देर इज गोन बी ट्रबल, डबल मैलिफिक मार 7.5वीं होगी इनकी। एंड बिकॉज 6th हाउस का मालिक, देखो 6th हाउस का मालिक अपने से 10th बैठा है प्रोफेशन, दैट मींस इनका प्रोफेशन मीडिया से रिलेटेड है, तो मीडिया इनकी एनिमी बन जाएगी। एंड डिस्पोजिटर ऑफ 6th हाउस विद राहु, सैटर्न आल्सो एस्पेक्ट्स राहु यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको बहुत कम्युनिकेशन में ट्रबल आने वाला है, देयर इज गोना बी ट्रबल। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आई होप कि भगवान करे सब सही हो इनके साथ, बट प्लैनेट्स अपना काम तो करेंगे। सो फॉरेन सेटलमेंट को जब भी देखना है, तो इस घर में क्लियरली हम देख रहे हैं रोहित जी कि इसमें दो जन का रोल है सबसे बड़ा। एक तो सबसे बड़ा है जुपिटर का रोल, राइट, क्योंकि वो आपको, वो आपका 9th हाउस को और आपके 12th हाउस को रूल करता है। सेकेंड है लग्नेश का रोल। अब कैसे होगा पूछो, 6th हाउस में बैठ के वो एस्पेक्ट कर रहा है 12th हाउस, है ना, छठवे में बैठ गया, वो देख रहा है सीधा 12वें घर को, मतलब फॉरेन जाना ही जाना है, फॉरेन सेटल होना ही, ठीक है। तीसरा देखो 10वें घर का मालिक यानी कर्म स्थान का मालिक भी छठवें घर में बैठ के 12वें घर को देख रहा है, राइट। इसका मतलब फॉरेन में करियर भी सही चलेगा तेरा, फॉरेन में जाएगी करियर भी सही चलेगा, और लग्नेश गया वहां पे तो फॉरेन में कंफर्टेबल भी रहेगी, है ना। सो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से, कैसे, कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं 12th हाउस को, 9th हाउस को, और उस हिसाब से हम बना पाएंगे रोहित जी अपने क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन। और अब मार्स मंगल देवता की दृष्टि है 4, 7 और 8, राइट, ये लगन बिल्कुल लॉर्ड है। अब देखो वो छठवें घर में बैठ के 6, 7, 8, 9 चौथी दृष्टि वो 9th हाउस पे डाल रहा है, तो भेजेगा ही फॉरेन, लॉन्ग जर्नी करवाते ही रहेगा जिंदगी भर, लग्नेश सिक्स्थ में बैठ के जर्नी कराते ही रहेगा दिन हमेशा। तो ये है बेसिकली थोड़ा सा आइडिया कि किस तरह से हम अपना फॉरेन का प्लैनेट देखें, कि किस तरह से कौन कहाँ बैठा है और किस तरह से किसकी दृष्टि कहाँ है, कैसी है, कब उसका टाइम है, कब उसकी दशा है, अंतर दशा है, वो हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा खेल लगन लॉर्ड का है कि वो कहाँ पे जाके बैठता है, क्योंकि वो सेल्फ है, वो आप हो।
फिर उसके बाद राहु केतु की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फॉरेन प्लैनेट्स हैं, वो जर्नी और करवाते जुपिटर हैं। एंड वीनस, जुपिटर वीनस राहु केतु एंड लग्न लॉर्ड, ये पांच प्लैनेट को पकड़ लो आप, फॉरेन का सेटलमेंट का पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट है दशा, दशा अंतर दशा और दशा। ट्रांजिट, ट्रांजिट ट्रांजिट लास्ट दशा अंतर दशा। और मुझे लगता है एक हिडन चीज जो है, मान लीजिए किसी बंदे के ना तो दशा में कुछ दिख रहा है, ना उसके कुछ कहीं ऐसी प्लेसमेंट दिख रही है, और बंदा बाहर चला गया, मुझे लगता है वहां पे खेल करेगा नक्षत्र। क्योंकि नक्षत्र, आपने जैसे बताया कि राहु का नक्षत्र आ गया और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया किसी एस्ट्रोलॉजर ने उस पर, और वो अपना खेल कर गया और बंदे को बाहर पहुंचा गया, तो आपको लगता है नक्षत्र की भी डाइसेक्शन बड़ी बारीक करनी बहुत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है नक्षत्र, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नक्षत्र। इसे मैं हर बार नक्षत्र पे फोकस करता हूँ कि नहीं भाई नक्षत्र देखो, क्योंकि वो बहुत, वो बड़ा रेल में, प्लैनेट तो छोटा रेल में, वो बड़ा रेल में, उसमें 100 स्टार है, ये प्लैनेट तो एक अकेला है। सो इसीलिए सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा एक आपने ठीक ब्रीफ वे में पर बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में हमें बताया, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। बहुत तेजी से आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे फैमिली के मेंबर बन रहे हैं, और कमेंट करके हमें बता भी रहे हैं कि हम बन गए आपके परिवार के मेंबर। तो आप सबको नमन है, शत शत नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। और जो नए हैं, ऐसे ही बहुत मीनिंगफुल वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े ऐसे ही बहुत मीनिंगफुल वीडियोस हम लाइव भी करते हैं, तो प्रेडिक्शंस भी करते हैं, तो वो सब आप अगर चाहते हैं कि आपको भी मिले, तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली मेंबर हो जाए हमारा। और जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं आकाश जी से, वन टू वन वीडियो कंसल्टेशन, वो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, और आपको वीडियो कंसल्टेशन मिल जाएगी। आकाश जी का हम धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहेंगे कि बहुत अच्छे वे में, बहुत जबरदस्त वे में उन्होंने आज हमें गाइड किया। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता।